बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कीमा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और उसमें करेले ऐड कर दिए हैं। करेले को मैंने छीला नहीं है, बग़ैर छीले मैंने ऐड किए हैं। इस तरह बिकड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं भी अगर छीलेंगे नहीं तो ये कड़वे बनेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस तरह भी बहुत ही अच्छे बनते हैं और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं होते। आप भी ज़रूर इस मेथड से बनाइएगा। इनको हम अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे, अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। मेरे पास कीमे का सालन पड़ा हुआ था फ्रीज किया हुआ, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास भी कीमे का सालन बच जाए तो आप भी ऐसे करेले बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड किया है और 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। अब हम इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने 1/2 प्याली दही ऐड की है। अब दही के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे।
आप करेलों की जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे वो उतने ज़्यादा ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज की तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके दम पे लगा देंगे ताकि हमारे जो प्याज हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखो प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, कीमा करेला का सालन हमारा रेडी हो चुका है। आपका भी अगर कीमे का सालन बच जाए तो आप भी इस तरह से करेले और कीमा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।